छिंदवाड़ा और जिला छिंदवाड़ा जो कि अधिक प्रसार वाला संक्रमण के अधिक प्रसार वाला स्थानों में जिले में चिन्हित है और यहाँ पर लॉकडाउन आज का रखा गया है रविवार का। इसका पब्लिक भी ना सिर्फ प्रशासन बल्कि पब्लिक इसका इस पर पूरा सहयोग कर रही है और स्वेच्छा से वो लॉकडाउन की स्थिति में है। सिर्फ ऐसे ही लोग सड़क पर आवागमन कर पा रहे हैं जो अति आवश्यक कार्य के लिए या मेडिकल इमरजेंसीज के लिए हैं। चूँकि आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, तो चूँकि आज होलिका दहन का भी पर्व है, ऐसे समय में ये समय कठिन है, लेकिन लोगों की सहयोग से हम जरूर इस कोरोना के लड़ने में, इस लॉकडाउन को सफल करने में कामयाब हो पा रहे हैं। सर, बसों को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? लॉकडाउन में पूरी तरह से बसों का आवागमन प्रतिबंधित है, परिवहन प्रतिबंधित है और जो भी कोई वाहन ऐसा चलेगा या चलाया जा रहा होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, नागपुर से कोई भी आने वाला व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य है? नागपुर से किसी भी तरह का की एंट्रीज बिना स्कैनिंग के बंद है और जो भी कोई अगर व्यक्ति वहां से आता है तो पहले उसकी आवश्यक रूप से स्क्रीनिंग कराई जा रही है हमारी स्क्रीनिंग टीम के द्वारा जो नागपुर से के एंट्री पॉइंट में लगे हुए हैं और यदि ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो फिर उन्हें क्वारंटाइन किया जाकर और उपचार कराया जा रहा है। सर, आज कितनी गाड़ियों को पकड़ा गया है? आज ऐसे लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 22 गाड़ियां हैं जिसमें 18 टू व्हीलर्स हैं और 4 फोर व्हीलर्स हैं। ऐसे वाहनों को सुबह सुबह ही जब्त किया गया है और कार्रवाई के बाद ही छोड़ा जाएगा।